केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जून 2024 तक इटली की यात्रा पर रहे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 जून 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार देश के लोगों की सेवा करती रहेगी। डॉक्टर एल मुर्गन ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जून 2024 को शुरू हुआ, जो 21 जून 2024 तक मुंबई में जारी रहेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने MIFF 2024 का उद्घाटन किया और दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को एक मंच पर लाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।